आज हम आपको तेगी कोरमा बनाना बता रहे हैं। उसके लिए जिन चीजों की जरूरत होगी उसमें है जनाब, दही लिया है हमने, केवड़ा एसेंस है, केवड़ा वाटर है, और हमने ये सिर्फ लहसुन लिया है, अदरक नहीं है, क्योंकि कोरमे के अंदर सिर्फ लहसुन डलता है पिसा हुआ। ठीक है, ब्राउन प्याज है 1.5 किलो के करीब, मुर्गे का गोश्त है, और थोड़ी सी हमने ये स्लाइस काटे हैं अदरक के, नमक है, कोरिएंडर, धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, जीरा पाउडर है, पेपरिका है, लहसुन, ड्राई लहसुन जो होता है लहसुन उसका पाउडर है, कुछ एक ये सब्ज़ी इलायची है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, स्टार है, और ये जायफल है, जावित्री है, और ये क्या पत्ता। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं। सारा मसाला इकट्ठा चिकन के अंदर मिक्स कर लेंगे, मगर एक मिनट इसको हम सिर्फ और सिर्फ जायफल जावित्री को हम थोड़ा सा पीसेंगे और बाकी सारा मसाला एक साथ मैरिनेट कर लेंगे। चलिए जनाब, ये जो हमने जायफल जावित्री और क्या कहते हैं उसका स्टार का वो लिया है, और इलायची ली थी हमने थोड़ी सी कूट ली है मोटी मोटी, अब इसके बाद हमने इसके अंदर ही ये प्याज को भी ऐड करना है, ऐसे ही आप तोड़ लें, क्योंकि जो देग वाले बना रहे होते हैं ना वो इसी तरीके से सब चीज़ें खट्टा मिक्स करके डाल देते हैं। अच्छा, दही भी इसके साथ ही जाएगा, दही देखें कभी कभी सालन को ख़राब कर देता है, तो आप दही जो है, मैं तो इसमें सिर्फ 3 चमचे डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, आप अपने हिसाब से डालें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट रखेंगे, जैसे 5 मिनट, 5 से 10 मिनट तक रखेंगे जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसी घी के अंदर प्याज अभी ब्राउन करके निकाल दी, अब हम अपनी चिकन इसमें डालने जा रहे हैं। ढककर पकने देंगे, फिर उसके बाद इसको भूनेंगे। जी माशाल्लाह, लुक तो बहुत जबरदस्त आ रहा है, देखें आप देख सकते हैं अभी मतलब गोश्त गला नहीं है, अभी मजीद जरूरत है इसको काफी पकने की जरूरत है। मैंने आधा मग पानी डाल दिया, ये अपने मतलब मुर्गी अपना भी पानी रिड्यूस करेगी और उसी में इसने पकना है, मैंने सिर्फ आधा मग पानी डाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हम तकरीबन पक गया है, अब हम इसमें अदरक और ये जो नमक था वो डालने जा रहे हैं। देखिए जी, बेहतरीन सा देगी कोरमा तैयार है, सब इसको हम जरा सा दम पे रखेंगे ताकि इसका घी ऊपर आ जाए। केवड़ा डालेंगे थोड़ा
की सिर्फ एक दिन के करीब हम उसमें केवड़ा पाउडर डालेंगे और फिर उसको एकदम पिछोड़ फिर आपको हम दिखाते हैं डिश आउट करके। आप देख सकते हैं कि हमारा देगी कोरमा तैयार है। आप भी ट्राई करें, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। ये ओरिजिनल 100% ओरिजिनल देगी कोरमा है।